गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया गया था आपका रिलीजन और पॉलिटिक्स को हमने डिस्कस किया गया था। आज हम इसमें कम्युनलिज्म को डिस्कस करेंगे। कम्युनलिज्म जो है आपका कहाँ से आते हैं, ये आइडिया ऑफ जो कम्युनलिज्म है तो वो आपका आते हैं कहाँ से, रिलीजन से आते हैं। तो कल हमने आपका डिस्कस किया गया था, रिलीजन को डिस्कस किया गया था। तो जो कम्युनलिज्म जो है वो आपका आते हैं कहाँ से, रिलीजन से ही आते हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनलिज्म सोचते हैं वो रिलीजन को क्या मानते हैं, बेसिस ऑफ नेशन, जो हमारा नेशन का जो बेसिस है उसका जो बेसिक जो आपका फाउंडेशन है वो आपका क्या मानते हैं, वो लोग रिलीजन मानते हैं। ये कम्युनलिज्म जो आइडियोलॉजी रखने वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं रिलीजन इज द बेसिस ऑफ नेशन। तो हमारे नेशन का बेसिस ही आपका रिलीजन है, वो आपका क्या है, वो आपका कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी है। तो उस आइडिया को हम क्या कहा जाता है, आपका कम्युनलिज्म कहा जाता है। और उसी कम्युनलिज्म को एक्सप्रेस किया जाता है इन पॉलिटिक्स में। तो इसी रिलीजन को वो एक्सप्रेस किया जाते हैं इन पॉलिटिक्स में। तो इसलिए ये आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म आपके क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं जब आपका रिलीजन को पहले वो ये मानते हैं ये बेसिस ऑफ नेशन है और इसको एक्सप्रेस करता है किसमें, पॉलिटिक्स में। जैसे कि हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स में देखा, जैसे कि हम जेंडर और पॉलिटिक्स में देखा, उसी तरह वो कम्युनलिज्म को एक्सप्रेस कब किया जाता है, जब अपने रिलीजन को वो एक्सप्रेस किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो आपका कम्युनलिज्म आइडिया आइडियोलॉजी आपका क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट यहाँ पे कहा गया है स्टेट पावर या सेंट्रल पावर या स्टेट पावर या लोकल पावर, कोई भी पावर को इस्तेमाल किया जाते हैं, एस्टेब्लिश किया जाते हैं वहां पे, ताकि वो लोग डोमिनेट कर सके एक रिलीजन को दूसरे अदर, मींस जो जितना भी रिलीजन है। जैसे कि इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत से रिलीजन है अंदर, इंडिया के अंदर जैसे कि आपका मुस्लिम है, जैसे कि आपका हिंदू है, जैसे कि आपका क्रिश्चियनिटी है, सिख है, बुद्धिस्ट है। तो उसमें से एक रिलीजियस क्या किया जाते हैं, स्टेट पावर को इस्तेमाल किया जाते हैं, एस्टेब्लिश किया जाते हैं, ताकि वो अपने रिलीजियस को डोमिनेट कर सके बाकी रिलीजियस के ऊपर। अगर मुस्लिम यहाँ पे स्टेट पावर को इस्तेमाल करके वो पूरा रिलीजन के ऊपर वो डोमिनेट होना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहा जाता है, आपका कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो कम्युनलिज्म एक्सप्रेस करना, रिलीजन को एज ए पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना और वो कोशिश करना, डोमिनेट करने की कोशिश करना आपका दूसरे रिलीजन के ऊपर, उसको हम क्या कहा जाता है, आपका कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो कम्युनलिज्म का यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन एक मार्क्स का भी पूछा जाते हैं, तो आपको सिर्फ ये लिखना है स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। बाकी रिलीजन के अंदर जो बाकी रिलीजन होते हैं उसमें से अपना रिलीजन को क्या किया जाता है, स्टेट पावर को एस्टैब्लिश करके अपना रिलीजन को यहाँ पे डोमिनेट, ज्यादा यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या कहा जाता है, आपका कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, फॉलोअर ऑफ सेम रिलीजन। सेम रिलीजन मीन्स जैसे कि आपका मुस्लिम है तो सारा फॉलोअर्स क्या होगा उनका, सेम होगा। वो लोग यहाँ पे वन कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, वो डिफरेंसेस को यहाँ पे भूल जाते हैं, वो ये सोचना भूल जाते हैं यहाँ पे और भी रिलीजन है जिसके हमें रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, वो भूल जाते हैं। तो वही सेम रिलीजन किया जाते हैं, एक कम्युनिटी बनाने की यहाँ पे कोशिश किया जाते हैं। देयर फंडामेंटल और सेम, तो उनका जो फंडामेंटल उसूल होते हैं मीन सबका सेम होते हैं, उनका जो नोशन होते हैं, उनका जो मकसद होते हैं वो सबका क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो लोग ये सोचते हैं हमारे ही रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल चाहे आपका हिंदू हो चाहे आपका मुस्लिम हो, हमारे ही रिलीजन यहाँ पे क्या करेगा, एक ही कम्युनिटी बनाएगा और सबका यहाँ पे क्या होगा, फंडामेंटल जो है सबका जो उसूल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंट रिलीजन होता है किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे कि इंडिया के अंदर आपका अलग अलग रिलीजन होते हैं, तो डिफरेंट रिलीजन क्या सोचते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी, वो ये सोचते हैं हम अलग अलग कम्युनिटी है यहाँ पे, वो ये नहीं सोचते यहाँ पे एक ही कम्युनिटी है, वो ये सोचते हैं यहाँ पे रिलीजन अलग होगा तो यहाँ पे आपका कम्युनिटी भी अलग होगा। कुछ लोग किसी और को मानता है, कुछ लोग किसी और मजहब को मानते हैं, तो यहाँ पे आपका डिफरेंट कम्युनिटी होगा। तो यहाँ पे कॉमनलिटीज और सुपरफिशियल एंड इमेटेरियल, तो यहाँ पे आपका ये है आपका जो कॉमनलिटीज होते हैं, वो लोग रिलीजन को साइड में रख के ये सोचते हैं पहले हम क्या है, पहले हम इंडियन है, इसके बाद हमारा रिलीजन।
तो यहाँ पे आपका कम्युनलिज्म जो आइडियोलॉजी रखने वाला लोग होते हैं वो ये सोचते हैं जो कम्युनलिटीज है वो क्या है, सुपरफिशियल है या इमेटेरियल है, ये आपका गैर मामूली, इतना ये नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो ये सोचते हैं। तो उनका इंटरेस्ट क्या होते हैं, जो आपका कम्युनलिज्म जो लोग का इंटरेस्ट होते हैं वो लोग डिफरेंट एंड कंफ्लिक्ट, तो वो ये सोचते हैं हम सब क्या है, डिफरेंट है, हमारा मजहब अलग है, हमारा फंडामेंटल या सब यहाँ पे क्या है जो उसूल है वो सब अलग है, और यहाँ पे क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा। तो यहाँ पे वो लोग ये नहीं सोचते हम डिफरेंट कम्युनिटी को एक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेशन को बनाएंगे, वो लोग ये नहीं सोचते, वो लोग ये सोचते हैं हम अलग अलग है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारा हम क्या करते हैं इसके लिए कंफ्लिक्ट भी किया जाते हैं, तो वो बिल्कुल उनका क्या होता है, अलग होते हैं, वो डिफरेंट को यहाँ पे सोचते ही नहीं है, एक ही रिलीजन को सोचते हैं, तो दे कैन नॉट लिव टूगेदर, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे एक साथ नहीं रह पाते हैं, तो वो यहाँ पे एक साथ रहना भी मुश्किल होता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो कम्युनिज्म वाला लोग होते हैं वो लोग ये सोचते हैं हमारा जो रिलीजन है वो अलग है, तो यहाँ पे हमारी एक ही कम्युनिटी, वन कम्युनिटी जो सेम रिलीजन से ही बिलोंग्स करते हैं, एक कम्युनिटी बनाना चाहिए और वही यहाँ पे क्या होना चाहिए, डोमिनेशन होना चाहिए, तो उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे एक साथ नहीं रह पाते हैं, आइदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट, या तो वो दूसरे रिलीजन के ऊपर वो डोमिनेट होते हैं, या तो इसका सिंपल रिजल्ट होता है रियाज ऑफ दे हैव टू फॉर्म ए डिफरेंट नेशन, या तो वो सोचते हैं हम क्या बनाएंगे, अलग नेशन बनाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट आजाद हुआ था यही हुआ था, कुछ यहाँ पे आपका लीडर्स था उनके अंदर क्या था, कम्युनलिज्म था, तो उस कम्युनलिज्म की वजह से वो लोग ये सोचता था हम यहाँ पे क्या है, अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हमारा फंडामेंटल्स यहाँ पे अलग है, इसलिए हम यहाँ पे वन कम्युनिटी यहाँ पे फ्रेम नहीं, यहाँ पे वन कम्युनिटी फ्रेम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे वन कम्युनिटी अगर फ्रेम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही रिलीजियस का होगा या मुस्लिम का होगा या हिंदू का होगा, इसलिए वो लोग यहाँ पे क्या किया जाता है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की वजह से वो लोग यहाँ पे क्या किया जाता है, एक और नेशन बना जाता है, जैसे कि आपका पाकिस्तान अलग हुआ जिसमें मुस्लिम डोमिनेटेड वन कम्युनिटी है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर ज्यादातर क्या था आपका हिंदू डोमिनेटेड था, और यहाँ पे क्या बन गया, वन कम्युनिटी बन गया। अगर हम एक्चुअल इंडिया में आप देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस है, जैसे कि पाकिस्तान में हमारे वहाँ पे कम है, इंडिया में ज्यादा है, मगर फिर भी यहाँ पे आपका क्या होता है, कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी जो है वहाँ इंडिया में देखने को मिलता है, आज के डेट में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये कम्युनलिज्म जो है ये इसका बेसिक जो है वो ये सोचते हैं आपका जो नेशन का बेसिस है वो किससे आता है, रिलीजन, तो यहाँ पे वो रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर वो डोमिनेट करने की कोशिश किया जाते हैं, तो उसको हम क्या कहा जाता है आपका, कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कम्युनलिज्म जो है आपका, यहाँ पे एक आपका एक जेंडर था, एक कम्युनलिज्म था, एक रिलीजन था, ये चीज जो है इंडिया में आज के डेट में ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसको हम पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए नेगेटिव यहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स के लिए आप कम्युनलिज्म इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका कोई अच्छा आपका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपका यही कम्युनलिज्म जो है एक्सप्रेस किया जाता है, किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाते हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे अलग अलग क्या होते हैं आपका कम्युनलिज्म होते हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, जो आपका पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, वही आपका अलग अलग कम्युनिज्म को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।